जय हिंद दोस्तों, वेलकम टीन एंड स्कूल। दोस्तों आज बात करेंगे कि आज के टाइम में सच में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे गेन की जा सकती है, कैसे अचीव की जा सकती है। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें शायद यहां पर खुल जाएं, क्योंकि दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर जितने भी वीडियोज हैं या फिर दोस्तों जो आप पेड कोर्स खरीदते हैं वहां पर आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए पुराने समय के उन दिग्गजों के जिन्होंने 1980s में या 1970s में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था, जैसे वॉरेन बफेट, जैसे राकेश झुंझुनवाला और कुछ दूसरे लोग। और आपको ये बताया जाता है कि जिस तरह से मार्केट पिछले कुछ समय से 30% 40% का ईयरली रिटर्न देता आ रहा है, उसी तरह से आने वाले समय में भी ये रिटर्न देता रहेगा। लेकिन दोस्तों वो बात ये बात भूल जाते हैं, और शायद उन्हें तो ये बात पता है, वो तो शायद अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपको वो एग्जाम्पल दे रहे होंगे, लेकिन जब आप ये वीडियोस देखते हैं तो आप ये बात भूल जाते हैं कि 1990s के दशक में या 2000 के स्टार्टिंग में या 1980s या 1970s के स्टार्टिंग में केवल कुछ लिमिटेड कंपनीज ही अवेलेबल थी। 3-4-5 कंपनियों का नाम था, जैसे एप्पल, गूगल, इसी तरह से दोस्तों इंडिया की बात करें तो MRF, HDFC बैंक और आज के टाइम की विप्रो, HCL, जो बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में 100 गुना का, 50 गुना का, 40 गुना का रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों हमें यह बात पता होना चाहिए कि उस समय पर तो अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर देते, आपको अगर इन्वेस्टमेंट की जीरो नॉलेज भी होती, बाई चांस अगर किसी ने उस समय पर कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, चाहे वो जमीन में इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया, तो वहां पर से आपका पैसा ऑटोमेटिकली 100 गुना से लेकर 1000 गुना, 10000 गुना या फिर 1,00,000 गुना भी हो गया। क्योंकि पिछले 20 सालों में जिस तरह से क्रांति आई है, जिस तरह से डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, जिस तरह से बहुत सारी कंपनीज एक्जिस्टेंस में आई हैं और पुरानी जो कंपनीज थी, दिग्गज जो कंपनीज थी, उनका रेवेन्यू जिस तरीके से बढ़ा है, उन्होंने उन लोगों को ऑलरेडी मालामाल कर दिया जिन्होंने बहुत समय पहले यह पैसा यहां पर खरीदा हुआ था। लेकिन दोस्तों इसके चक्कर में आप सोचते हैं कि आने वाले समय में भी हमें स्टॉक मार्केटिंग में इसी तरह से प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 20 साल पहले या आज से 30 साल पहले जिस प्लॉट्स या जिस जमीन की कीमत 100 रुपए थी, आज के टाइम में उसकी कीमत यहां तक कि करोड़ों रुपए में पहुंच चुकी है। यानी दोस्तों यहां पर आपको 1,00,000 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न मिल गया। आज के टाइम में क्या आपको लगता है कि आप कोई प्लॉट्स खरीद लेंगे या फिर आप कोई जमीन खरीद लेंगे तो उसकी कीमत 1,00,000 गुना हो सकती है? इवन क्या आपको लगता है कि उसकी कीमत 1,000 गुना भी हो सकती है? इवन क्या आपको लगता है कि उसकी कीमत 100 गुना भी हो सकती है आने वाले 20 से 30 सालों में 40 सालों में? इवन दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि आप मुझे ऐसी जमीन ही बता दो जिसकी आप ये सोच सको कि यहां से उसकी कीमत 50 गुना हो सकती है। आज के टाइम में ये चीजें आपको नहीं मिलती हैं। वहीं पर अगर HDFC बैंक के, विप्रो के या किसी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स मार्केटिंग के बारे में बात करें, स्टॉक्स के बारे में बात करें जिनके मार्केट कैप आज की डेट में ट्रिलियंस में है, तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि जिस स्पीड से ये कंपनी पिछले 30 सालों में प्रॉफिट दिया हो, उसी स्पीड से या उसकी आधी स्पीड से भी या उसकी 1/100 स्पीड से भी वो आने वाले समय में आपको प्रॉफिट दे पाएगी? बिल्कुल नहीं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्मॉल कैप शेयर्स के बारे में। आपको लगता है कि स्मॉल कैप शेयर्स इसी स्पीड से प्रॉफिट देते रहेंगे? तो दोस्तों क्या आपको ये नहीं लगता कि हर दिन कुछ नई कंपनीज पैदा हो रही हैं, हर दिन कुछ नए IPO मार्केट में आ रहे हैं? जिस तरह से पहले केवल 10 कंपनी या 100 कंपनी मार्केट में थी, आज के टाइम में वहीं पर 1,000 कंपनी और यहां तक कि 1,00,000 कंपनी मार्केट में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। यही कारण है कि स्मॉल कैप जो होते हैं, जो छोटी कंपनीज हैं, उनमें भी ये कुछ नहीं पता कि कौन सी कंपनी का मार्केट कब कितने नीचे चला जाए। पिछले 3 सालों में 4 सालों में कोरोना के बाद से जो पैसा आया है ये इन्हीं वीडियोस को देख देख कर आया है, और आपको लगता है कि इसी तरह से मार्केट में जो है पैसा लगातार बनता चला जाएगा? ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग तो लोन लेकर पैसा लगा रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के चक्कर में, लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा, बहुत सारे ऐसे शेयर्स भी हैं जो 70-80% तक डाउन होने वाले हैं, गिरने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों आपने जो लोन लिया वो भी आपको भरना पड़ेगा, और यहां पर मार्केट जब डाउन जाएगा तो आप डर कर वहां पर पैसा निकाल लेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टॉक्स फिर कभी बढ़े ही ना, क्योंकि बहुत ही छोटे स्टॉक्स हैं जिनमें केवल पब्लिक के पैसे से ही स्टॉक का प्राइस आज के टाइम में बढ़ रहा है। एक बार नीचे जाएंगे तो हो सकता है उनका प्राइस दोबारा बढ़े ही ना, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें आपको अगर ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे तभी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आने वाले समय में मिल सकती है। आज के टाइम में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना उतना बिल्कुल भी आसान नहीं रह गया जितना आज से 20 साल पहले हुआ करता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप भेड़
चाल में आपको नहीं चलना है, आपको चलना है एक ऐसी चाल में जहां पर आपको अपना एक अलग रास्ता ढूंढना होगा। स्टॉक्स मार्केटिंग के भरोसे नहीं बैठना होगा, केवल एफडीज में पैसा सेविंग करके नहीं बैठना होगा, क्योंकि दोस्तों उसमें प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम में आपको लगता भी है कि आप अच्छी खासी सेविंग कर रहे हैं, तो दोस्तों ऑब्वियसली आने वाले 10 साल में इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से महंगाई 100 गुना तो नहीं होगी लेकिन 2 गुना तो जरूर हो जाएगी, और उस कंडीशन में आपका वो पैसा कम पड़ जाएगा। यानी जो आपको लगता है कि आज मैं एफडी करके, पीपीएफ करके, एसएसवाई करके या किसी दूसरी तरकीब से जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो 10 साल बाद 1 करोड़ हो जाएगा, तो दोस्तों वहां पर भी आप गलत हो सकते हैं। अब दूसरी बात ये उठती है कि चलिए ये सब हमने मान भी लिया कि ये पैसा यहाँ पर बढ़ता जाएगा, लेकिन दोस्तों इंडिया में अभी भी केवल 3% लोग ही टैक्स भरते हैं, 2.5 से 3% के आसपास लोग ही टैक्स हैं, और बाकी के जो दोस्तों आप 97% लोग हो, मैं उनके लिए वीडियो बनाना चाहता हूं, 3% के लिए नहीं बनाना चाहता, क्योंकि दोस्तों आप तो टैक्स भर ही रहे हैं, आप तो, आपको तो पता ही होगा कि कैसे आप आने वाले समय में ये अचीव कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बाकी के जो 97% लोग हैं जो टैक्स के दायरे में आ ही नहीं रहे हैं वो भी आने वाले समय में टैक्स के दायरे में आए और इतना ज्यादा यहां पर प्रॉफिट बुक करें कि दोस्तों वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए, उन्हें भी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। अब दोस्तों यहां पर सवाल यह उठता है कि जो अभी टैक्स भर ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी इनकम सालाना की जो है वो 4-5 लाख रुपए से कम होगी या मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक होगी, इससे ऊपर नहीं होगी, और ऐसे में अगर आपके पास एक फैमिली है, आपके पास 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा भी है, तो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में इंडिया में जिस तरह से महंगाई है उस तरीके से आप अपने खर्चे पूरे करने के बाद यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई पैसा निकाल पाएंगे। अगर निकाल भी पाएंगे तो महीने का मुश्किल से 5,000 या 10,000 निकाल पाएंगे, और 5,000 या 10,000 में जिस तरह से आपको एग्जाम्पल दिया जाता है कि 10 साल में या 15 सालों में आप करोड़पति बन जाओगे, दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आप वास्तव में ऐसा कर पाओगे, यानी वो सारे के सारे एग्जांपल आने वाले समय में फॉल्स सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि मार्केट इसी तरह से 30-40% का प्रॉफिट ईयरली नहीं देने वाला है, आने वाले समय में ऐसा होगा कि मार्केट डाउन भी जाएगा और आपके पोर्टफोलियो निगेटिव भी जाएंगे। तो सवाल यह उठता है कि आपको फिर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वास्तव में आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके और दोस्तों आप बहुत लंबे समय के लिए वहां पर से इन्वेस्टमेंट कर भी सको, यानी दोस्तों आपकी कम से कम एक अर्निंग तो शुरू हो, और दोस्तों वो अर्निंग हो तो ऐसी हो कि एक बार आप यहां पर अर्निंग करना शुरू कर दें तो फिर वो दोस्तों आपको लाइफ टाइम तक वो अर्निंग मिलती रहे, यानी ये अर्निंग आपकी कभी कम ना हो बल्कि लगातार यहां पर बढ़ती ही रहे। यानी दोस्तों आप अगर जॉब कर रहे हैं, आप अपना कोई व्यापार कर रहे हैं, तो वहां पर ये इनफ चांसेस होते हैं कि जॉब से आप आने वाले समय में प्राइवेट जॉब से निकाले जा सकते हो। अगर आप खुद का व्यापार कर रहे हो तो कई बार ऐसा हो सकता है आपने शॉप खोली है लेकिन ऑनलाइन का जमाना है, आने वाले समय में ऑनलाइन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आपकी शॉप की बिक्री कम होती जाए और बहुत तेजी से लोग शॉप्स खोल भी रहे हैं, हर गांव में, हर शहर में, हर रोड के किनारे पर आपको हर जगह पर शॉप्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों ये भी बात है, पहले एक बड़े एरिया में केवल एक शॉप हुआ करती थी, किराने की भी अगर हम एग्जांपल लें, और दोस्तों वहीं पर अब 100 शॉप हो गई हैं, यानी पहले आप उसी शॉप से एक अच्छी खासी अर्निंग कर लिया करते थे लेकिन आज के टाइम में तो आप बस खोलकर बैठे हुए हो, मुश्किल से खर्चा पानी चल रहा है। तो दोस्तों क्यों ना एक ऐसी चीज की जाए जिसमें आपको एक रियल फाइनेंशियल फ्रीडम मिले और जिसमें आप यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए आपको पैसा मिलता रहे। चलिए ऐसी ही चीज के बारे में मैं यहाँ पर बात करता हूँ और इसके कुछ तरीके हैं जो कि मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहता हूँ, 5 से 7-10 तरीकों के बारे में ऐसे मैंने टाइम टू टाइम आपको बताया हुआ है, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है और आप स्टार्ट करने की आपको जरूरत है, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद यहां पर आपकी अर्निंग लगातार बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे बहुत ज्यादा जबरदस्त अर्निंग, यहां पर लाखों रुपए पर मंथ तक की भी अर्निंग पर आप पहुंच जाएंगे, और उसके बाद आपको कभी यह सोचने की जरूरत ही नहीं होगी कि मैं अपना, जब मेरा रिटायरमेंट होगा, जब मैं कमाना बंद कर दूंगा मेरे अपने सोर्सेज से, या फिर मेरी जॉब चली जाएगी, या फिर मेरी बाई चांस दुकान बंद हो जाती है, या मुझसे आने वाले समय में अगर काम नहीं होगा तो मेरे खर्चे कैसे चलेंगे, ये सारी की सारी टेंशंस आपको यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। उसके लिए दोस्तों आज मैं एक मेथड के बारे में बात करूंगा, इससे अगली वाली वीडियो में मैं दूसरे मेथड्स के बारे में बात करूंगा, इसी तरह से आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में मैं लगातार बताता जाऊंगा और आप उन प्लेटफॉर्म के साथ काम करते जाना। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आज मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपके लिए लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए साइनअप करने के लिए इस वीडियो डिस्क्रिप्शन जो सबसे पहला लिंक है उस पर क्लिक करके आप साइनअप कर सकते हैं, और साइनअप करने के बाद वहाँ पर KYC कंप्लीट कर सकते हैं। KYC कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से फ़ोन आ जाएगा जिसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि कैसे आप यहाँ पर लाखों रुपये पर मंथ तक की अर्निंग पर बड़े आराम से बिना किसी इन्वेस्टमेंट के भी पहुँच सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाना शुरू करूंगा। यहां पर ये जो
हैं, इन्होंने लगभग 6-7 महीने पहले या 8 महीने पहले मेरी वीडियो देखकर इस सिस्टम के साथ काम करना शुरू किया, मुझसे कॉन्टैक्ट भी किया, मुझसे बात भी की क्योंकि मैंने इन्हें फ़ोन किया था, और उसके बाद ये इन्होंने काफ़ी सीरियसली इस बात को लिया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो मई में ये अर्निंग दिखा रही थी, 2 महीने की इन्होंने विड्रॉल रोका हुआ था अपने आप से, मतलब इन्होंने विड्रॉल नहीं लिया था क्योंकि इनका काम चल रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर इनके पास अवेलेबल टू विड्रॉल 2,55,395 रुपये थे। इससे पहले इन्होंने अपना जो पूरा विड्रॉल लिया था वो मार्च के एंड में लिया था, यानी यहाँ पर दोस्तों अप्रैल की पूरी इनकम और कुछ मई की इनकम आ गई थी, तो 2,55,395 रुपये यहाँ पर इन्होंने अर्न कर लिए थे और टोटल बैलेंस था इनका 2,75,586। और दोस्तों ये जो अनसेटल्ड बैलेंस था 20,000, ये बाद में सेटल होना था, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर ये अवेलेबल टू विड्रॉल इतना दिख रहा था। अब इन्होंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर इसमें से 2,55,395 विड्रॉल मार लिया। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 5 जून 2023 को। अब दोस्तों इसके बाद अभी की अगर मैं इनकी अर्निंग की देखूं तो दोस्तों यहाँ पर इनके पास फिर से अवेलेबल टू विड्रॉल 42,990 रुपये आ चुके हैं। और दोस्तों ये जो मैंने इनसे स्क्रीनशॉट लिया था, ये जुलाई के बिल्कुल स्टार्टिंग में लिया था, जुलाई के 4-5 दिन ही गए थे, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इनकी ₹1,00,000 महीने की अर्निंग ऑलरेडी आ गई है। करा क्या था इन्होंने, बस मेरी बात मानकर, मेरी वीडियो सुनकर इन्होंने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन जो दिया गया लिंक है, उस समय पर भी वो लिंक दिया हुआ था क्योंकि उस समय पर भी अपॉर्चुनिटी आई थी, बीच में अपॉर्चुनिटी बंद हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी अभी आई है। इन्होंने साइन अप किया था और KYC कंप्लीट की थी, और उसके इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करने की इन्होंने जरूरत नहीं थी। आज तक इन्होंने एक भी पैसे का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं किया, उसके बावजूद भी इनकी महीने की ₹1,00,000 की अर्निंग आ रही है। अब दोस्तों इन्होंने तो 6-7 महीने में 8 महीने में इतनी बड़ी अर्निंग अचीव कर ली, लेकिन हर कोई इतनी बड़ी अर्निंग 6-7 महीने में नहीं अचीव कर पाता, लेकिन धीरे धीरे आने वाले 4 से 5 सालों में ये हो सकता है कि आप हर महीने की अर्निंग ₹1,00,000 पर मंथ तक पहुँच जाओ। लेकिन दोस्तों 6 से 7 महीने में भी आप ₹10,000 12,000 पर मंथ की अर्निंग पर बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ₹1,00,000 पर मंथ तक की अर्निंग पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसके लिए मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। आपको करना क्या है और कैसे यहां पर आपको अर्निंग आती है, और भी बहुत सारे लोग हैं यहां पर जिनकी अर्निंग आ रही है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अब ये जो कंपनी है जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, स्टॉक मार्केटिंग से जुड़ी हुई कंपनी है, म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई कंपनी है, और दोस्तों ये कंपनी यहां पर कह रही है कि कुछ लोगों को वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी देना चाहती है, यानी आप घर से इंडिपेंडेंट तरीके से काम करो, जैसे मर्जी है वैसे काम करो, और जितना आप काम करोगे कंपनी उसके बदले यहाँ पर आपको पैसा देती रहेगी। इससे कंपनी को ये फायदा होता है कि उसे ऑफिस के खर्च की टेंशन नहीं है। एक बंदा वहाँ पर सैलरी पर 50,000 रुपये पर उन्होंने सैलरी पर हायर कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो काम ही नहीं कर पा रहा है, तो उन्हें बेमतलब की वहाँ पर सैलरी देनी पड़ रही है 50,000 रुपये की उसकी सैलरी, 50,000 रुपये का ऑफिस का जो पर सीट की बुकिंग होती है और दुनिया भर के एक्सपेंडिचर, वो ये आदमी पढ़ रहा है उन्हें ₹1,00,000 पर मंथ का, लेकिन ये उन्हें काम करके नहीं दे पा रहा है। मान ले उसकी ट्रेनिंग में ही काफी लंबा समय चल गया, तो उसके लिए कुछ कंपनी ने अल्टरनेटिव ऑप्शन निकाले कि ऐसा करते हैं वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी देते हैं, और वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी में जितना जो काम करेगा उसे उतनी इनकम आएगी, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। कंपनी को ऐसे लोगों को सैलरी देने की जरूरत ही नहीं है जो काम नहीं करते, काम करोगे तो सैलरी आएगी। अब करना क्या है उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप KYC करेंगे तो आपको एक रेफरल लिंक मिल जाएगा, इस पहला तरीका। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं यहाँ से अर्निंग करने के। आपको यहाँ पर एक रेफरल लिंक मिल जाएगा, उस रेफरल लिंक को आपको WhatsApp के जरिए अपने फैमिली मेंबर को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और उन्हें बोलना है भैया इस कंपनी के साथ आप साइन अप करके KYC कंप्लीट कर लीजिएगा। वो बोलेंगे क्यों KYC कंप्लीट कर लीजिएगा, तो उन्हें आप बोलिएगा क्योंकि क्योंकि अगर आप यहाँ पर KYC कंप्लीट करते हैं तो आप यहाँ पर आने वाले समय में अर्निंग कर सकते हैं, आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। अर्निंग आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, बस इतनी बात आपको उन्हें बतानी है, और वो साइन अप करके KYC कंप्लीट कर लेंगे। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक पुराना जमाना था, आज से 20 साल पहले का या 10 साल पहले का, जब लोग अपना पूरे का पूरा पैसा ना FD में रखते थे या फिर बैंक में रखते थे। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ कि कुछ बैंक्स भाग गए, जिसकी वजह से लोगों का करोड़ों वहां पर डूब गया। तो दोस्तों फिर लोगों ने यहां पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया प्रॉपर्टी में बहुत तेजी के साथ, जिसकी वजह से 20 सालों में प्रॉपर्टी के रेट बहुत ऊपर चले गए। और दोस्तों बहुत ऊपर जाने की वजह से अब प्रॉपर्टी, अगर आप पहले क्या चल रहा था कि अभी आपने प्रॉपर्टी खरीदी, 6 महीने बाद बेच दी, तो आपका 1.5 गुना 2 गुना पैसा बन गया। लेकिन आज के टाइम में प्रॉपर्टी के रेट ऑलरेडी इतने ऊपर हैं कि आज के टाइम में आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो हो सकता है कि 1 साल बाद आपको वो घाटे में बेचनी पड़े। 2 गुना होने का तो कोई मतलब नहीं बनता, 2 गुना होने के लिए तो आपको 5-10 साल का वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने एक तीसरा तरीका अपनाया, वो तीसरा तरीका क्या है, लोग अब बैंक में पैसा भी नहीं रख रहे हैं क्योंकि बैंक में जो है आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट मिल रहा है, सेविंग अकाउंट में 3 से 4%, FD में 6 से 7%,
प्रॉपर्टी में भी नहीं कर पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहली बात तो आपको पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, दूसरी बात वहाँ पर आपका प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है। तो जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा है, 10,000-5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हर महीने, वो लोग स्टॉक मार्केटिंग की तरफ भाग रहे हैं। अब स्टॉक मार्केटिंग की तरफ भाग रहे हैं तो उन्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ रही है जो एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त स्टॉक मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म। यही कारण है कि दोस्तों 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में, इनमें से पिछले 1 से 2 सालों में 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने स्टॉक्स मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, जो पहले 10-20 हज़ार ही हुआ करते थे। यानी जिस तरह से बैंकिंग में लोग थे, वो लोग बैंकिंग से निकलकर अब स्टॉक्स मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप यकीन मानिए स्टॉक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म इसी तरह से हो जाएंगे जिस तरह से आज के टाइम में बैंक्स हैं, यानी हर किसी बंदे का स्टॉक मार्केटिंग में अकाउंट होगा। यही कहानी थी पहले कि अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पर कोई साइनअप नहीं करता था, साइनअप करता भी था तो वो डाउनलोड करके रख लेता था, आगे कुछ नहीं करता था उनका, क्योंकि सब कोई अपने खर्चों के लिए शॉप पर जाकर मार्केट में जाकर सामान खरीद कर आ जाता था। लेकिन आज के टाइम में कंपटीशन का टाइम है, हर कोई ऑनलाइन खरीद रहा है, तो यही कारण है जिसकी वजह से हर किसी के पास आज अमेजोन फ्लिपकार्ट ये सारी की सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आपके पास अभी ये बेस्ट मौका है, क्योंकि ये सेक्टर अभी बहुत पीछे है। अभी केवल 2 से 3% ही लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर साइनअप किया हुआ होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये मिल रही है कि आपको अपने रेफरल लिंक से इन दूसरे लोगों को इस स्टॉक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर साइनअप करवाना है बिल्कुल फ्री में। कंपनी को फायदा यह है कि उन्हें पता है कि आने वाले समय में ये लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि हर किसी की मजबूरी होगी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे। अगर आज के टाइम में अकाउंट नहीं खोलेगा तो 5 साल बाद खोलेगा। इससे बढ़िया ये है कि आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए, आप कोई और आपके पास साइनअप करवाने के लिए आए, कोई और उसकी अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाए, आप उससे पहले खुद से साइनअप कर लीजिएगा और दूसरे लोगों को साइनअप करवाइएगा। कोई जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें या कोई सर्विस लें, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। कंपनी कहती है आपने यहाँ पर KYC करवा दी, आपका काम खत्म हो गया, आपको यहाँ से अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। आपको केवल एक लेवल पर अर्निंग नहीं आती, जिससे आप रेफर करते हैं उससे अर्निंग आती है, प्लस जिससे आप रेफर करते हैं वो भी आगे रेफर करता है, तो उसकी भी अप टू 9 लेवल तक आपको अर्निंग आती है। ये लोग जिंदगी में कभी भी कुछ भी यहाँ पर कोई भी सर्विस लेते हैं, उसका लाइफ टाइम के लिए आपको यहाँ पर कमीशन आता रहेगा। और साथ ही जैसे ही किसी को आप यहाँ पर साइनअप करवाते हैं तो 100 रुपये से लेकर 5,000 रुपीज तक का प्रॉफिट आपको एकदम से भी यहाँ पर मिलेगा। यही कारण है कि यहाँ पर जो ये मैं एग्जाम्पल दिखा रहा था, जिन्होंने यहाँ पर काम करना शुरू किया, बहुत ही जल्दी ये लाखों रुपये महीने की अर्निंग पर पहुँच गए। जितनी जल्दी आप इस सिस्टम के साथ काम करना शुरू करोगे, उतनी जल्दी आप यहाँ पर लाखों रुपये महीने की अर्निंग पर पहुँच जाओगे। लेकिन एक बार आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है, आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है। अब आप यहाँ से रेफरल से पैसा कमा लेंगे, रेफरल से पैसा कमाने के बाद कंपनी और भी बहुत कुछ बोलती है। कंपनी ये बोलती है, एक ऐसी कंपनी है जिसका मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर आपको सीखना है, अगर आपको स्टॉक मार्केटिंग में चीज़ें सीखनी है, तो बिल्कुल फ्री में ऐसे ऐसे टूल्स आपको देती है जो मार्केट में आपको 1 लाख रुपये के भी नहीं मिलेंगे। यानी फ्री में आप साइनअप करेंगे, KYC कंप्लीट करेंगे, उसके बदले यहाँ पर आपको लाखों रुपये का मटेरियल, ट्रेडिंग व्यू और बहुत सारे मतलब एजुकेटर्स, जो कोर्स आपको 10,000-20,000-50,000 रुपये में मिलते हैं बाहर मार्केट में, वो बिल्कुल फ्री में, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। यानी आप 1,000 रुपये से 500 रुपये से अगर इंट्राडे ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, मतलब आपको लगता है कि नहीं रेफर में नहीं करूँगा, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सीखने के लिए सब कुछ है। इंट्राडे ट्रेडिंग करिए, कंपनी 20 गुना तक का आपको मार्जिन देती है, और उस पर भी गिव अवे मिलता है। आप 2-7 लाख जो लोग अच्छे से इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उन्हें गिव अवे भी मिल सकता है टाइम टू टाइम, और यहाँ पर आपको अप टू 7 लाख विन करने के चांसेज भी मिलते हैं। इस तरह से 10 से भी ज़्यादा तरीके हैं कि इस प्लेटफॉर्म से आप एक ज़बरदस्त अर्निंग कर सकते हो और लाइफ टाइम में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि केवल 6 महीने में ही आप लाखों रुपये महीना अर्न करने लग जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अगर आप यहाँ पर सीखेंगे, काम करेंगे, रेफर करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने पर फोकस करेंगे, दिन का 1 घंटा देंगे, तो दोस्तों ये बात पक्की है कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर आप यहाँ पर कम से कम 1 लाख रुपया पर मंथ अर्न करने लग जाएंगे। और उसके बाद आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये डर नहीं सताएगा कि कल के दिन को मेरी जॉब चली गई तो क्या होगी, आपको ये डर नहीं सताएगा कि कल के दिन को मेरी शॉप बंद हो गई तो क्या होगा, आपको ये नहीं डर सताएगा कि आज की डेट में आप जो काम कर रहे हो, आने वाले 2 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में, आप
अगर वो काम बंद होता है या वहां से अर्निंग आनी बंद होती है तो मैं कैसे कमाऊंगा। आपको ये डर नहीं सताएगा कि आप खेती करते हैं, आप गांव से हैं, आप मजदूर कैटेगरी में आते हैं, तो आप क्या लाइफ टाइम ऐसे ही रहेंगे? नहीं, आप यहाँ पर अपना करियर बना सकते हो, आप खुद से अपना करियर बना सकते हो। ये दोस्तों ऐसी ही अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह से आज से कुछ समय पहले यूट्यूब हुआ करता था, लोग सोचते थे नहीं यूट्यूब से तो अर्निंग नहीं की जा सकती, लेकिन जिन लोगों ने उस समय पर शुरू किया आज के टाइम में वो बादशाह बने बैठे हैं। तो दोस्तों आप भी ये बादशाह कायम कर सकते हो, ये आपके पास एक अच्छा चांस है लिमिटेड टाइम के लिए। इसके बाद दोस्तों मार्केट में आपको पता ही है कि जब इस तरह की चीजें आती हैं, लोगों को पता चलना शुरू होता है, तो हर कोई डाउनलोड करके बैठ जाता है और उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती। लेकिन अभी आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी के साथ काम करिए और देखिए कि जिंदगी में आपको बहुत बड़ी अर्निंग आने वाले समय में मिल सकती है। अभी आप केवल साइन अप करिए और KYC कंप्लीट करिए, आने वाले समय में हो सकता है कि आप इनके पार्टनर का लाइसेंस ले लें। वहाँ पर ऑप्शन आता है जब आप यहाँ पर काम करना शुरू करते हो, बिल्कुल फ्री में इनके पार्टनर भी बन सकते हो, जिसमें आपको अप टू 9 लेवल तक की अर्निंग आनी शुरू हो सकती है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको आने वाले समय में फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेकर जा सकती हैं। अगर आपको लगता है कि वर्थ है, अगर आपको लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो सबसे पहला लिंक है उस पर क्लिक करके साइनअप करके KYC कंप्लीट कर लें। थैंक यू।